नमस्कार दोस्तों, शम क्लासे रंगेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल के बारे में, जो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के पेपर आए हैं और जो हूबहू आपको 1 और 2 तारीख को मिलेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और देख सकते दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज आपके प्रैक्टिकल के 3 क्वेश्चन आएंगे 1 और 2 तारीख को। तो जिन बच्चों का आज 1 तारीख का प्रैक्टिकल है, ये जिन बच्चों का 2 तारीख का प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो ये पेपर पूरा देखना और इन क्वेश्चनों को रट के जाना, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और 250 में से 250 नंबर लाने का एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, ये पेपर पहले ही आ चुका, आप देख लेना आप किस प्रकार। तो ये कुल मिलाएगी आपका 8 घंटे का प्रैक्टिकल होता है और इसमें दे रखा है कि अटेंड ऑल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आपको अटेंड करने। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये आया है, ये पहला क्वेश्चन है, देखो, ड्राइंग द कनेक्टेड डायग्राम टू फिट ऑफ अनकाउंटेबल ऑफ डीसी कंपाउंड मैकेनिक एंड वेरिएबल वाइज टेस्टिंग, यानी इसमें आपको डीसी मोटर को चेक करना है। अब देख लो इसमें किस प्रकार चेक करना है। तो इसमें देगा रिटर्न ऑफ द रिक्वायर्ड टूल्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट विथ सर्फेस एंड और देखें वो प्रोफे ऑफ अबाउट टेस्ट। तो इसका ये टेस्ट भी आपको करना है, या टेस्ट एंड इट फिस्ट ऑफ कैनोड ऑफ टर्मिनल ऑफ कंपाउंड मैकेनिकल एंड वेरिफिकेशन अबाउट टेस्ट, यानी आपको कुल मिला के कंपाउंड मोटर का टेस्ट टेस्ट वगैरह पूरा तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार, इनमें से एक कुल मिला के एक ही बताया गया। तो इसमें आप लेना अपने हिसाब से किस प्रकार। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, इसमें ड्राइंग द स्कीमेटिक कनेक्टेड डायग्राम ऑफ लग बोर्ड यूज BIS सिंबल टू कंस्ट्रक्ट फुल वेव रेक्टिफायर। दोस्तों, ये आपको फुल वेव रेक्टिफायर जो आपकी ड्राइंग क्लास में देख रहे था, यह इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थ्योरी के लेसन में देख लेना। टू डायोड्स विथ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर एंड मिस द आउट डीसी वोल्टेज, यानी इसमें डीसी का वोल्टेज मापना है फुल वेव रेक्टिफायर लगा के, यानी 2 डायोड वाला लगा के। लास्ट आउट द टूल्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल विथ सरप्राइज एंड रिट द वर्किंग स्टेप इन स्क्रू कनेक्टेड अबाउ फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्टेड अबाउ फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड विथ सेंटर टेप्ड ऑफ बेस लग बोर्ड एंड मेरे आउटपुट वोल्टेज। कुल मिला के ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का है। तो दोस्तों, तो अच्छे से देखना फुल वेव रेक्टिफायर का किस प्रकार आपको प्रैक्टिकल किया हुआ होगा, पहले तो आप रजिस्टर भी ले सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है दोस्तों, ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम यूज BIS सिंबल ऑफ स्टार रन एंड रिवर्स 3 फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर। ये आपका प्रैक्टिकल आप दोस्तों आपके उसमें नाम बोल गया किसमें, ड्राइंग की एग्जाम भी क्वेश्चन पूछा है 3 फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का। तो वो का वो क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर यूज रोटर रेजिस्टेंस स्टार एंड में जो टेस्टिंग ऑफ रनिंग। तो आप वो देख लेना, ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, वो करना है। तो इसमें देख लो रिटर्न द प्रोड्यूसिंग स्टेप टू प्रीफोर ऑफ द अबाउट टेस्ट विथ सरफेज प्राइमर एंड लास्ट आउट द टूल्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल एंड मटेरियल रिक्वायर्ड विथ स्पे ऑफ द सेम। तो दोस्तों, ये पूरा और लास्ट में कनेक्टेड द 3 फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर यूज रोटर रेजिस्टेंस स्टार मेटेयर एंड स्टार रन रिवर्स द मोटर आर मैकेनिक स्टार एंड रनिंग करंट। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका ये इलेक्ट्रिशियन का पेपर है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दोस्तों इस प्रकार, इसमें भी 3 क्वेश्चन आए। तो इसमें भी आप अच्छे से देख लो, इसमें आओ आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी क्वेश्चन आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जानते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बोलना पूछ रहा है, इसमें देख लो आप अच्छे से देख लो, इसमें क्या है DSO V4। तो इस प्रकार का पहला क्वेश्चन यह है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यह है आपका, तो आप देख लेना अपने टीचर से पूछ लेना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इतना कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो पेपर है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखो, तो आपका यह है आपका
इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दोनों का पेपर है तो इनको रट लो और अपनी आईटीआई के टीचर से राय कर लो किस प्रकार कौन सा है। तो 1 और 2 तारीख के दोनों को पेपर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।